उत्तराखंड में कांग्रेस को अपनी जीत का पूरा भरोसा है। उत्तराखंड में कांग्रेस जीत को लेकर हरीश रावत का बड़ा बयान। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव संपन्न हो चुके हैं, अब सभी को 10 मार्च का इंतजार है क्योंकि इसी दिन विधानसभा चुनाव के नतीजे आएंगे। अब की बार प्रदेश की सत्ता पर कौन काबिज होगा ये तो 10 मार्च को ही पता चलेगा, लेकिन उससे पहले अपनी अपनी जीत को लेकर दावे कर रहे हैं लोग। इसी कड़ी में सूबे के पूर्व सीएम और कांग्रेस के सीनियर नेता हरीश रावत ने कांग्रेस की जीत को लेकर बड़ा दावा किया है। दरअसल उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के बाद अब कयासों का दौर शुरू हो गया है। बीजेपी जहां एक बार फिर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का दावा कर रही है, तो वहीं कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत से कहीं ज्यादा करीब 68% सीटों पर जीत दर्ज करने का दावा कर दिया है। पार्टी के सीनियर नेता और पूर्व सीएम हरीश रावत ने कहा कि उत्तराखंड विधानसभा की 70 सीटों के लिए हुए चुनाव में कांग्रेस को 48 सीटों पर जीत मिलेगी। अपनी पार्टी की जीत की उम्मीद जताते हुए रावत ने दावा किया कि राज्य की जनता ने परिवर्तन के लिए वोट दिया है। पूर्व सीएम ने कहा कि मतदान के बाद मैं ये कह सकता हूं कि कांग्रेस की जीत तय है। उत्तराखंड की जनता ने परिवर्तन के लिए वोट दिया है। चुनावों में कुछ सामान्य संकेत होते हैं जिनसे ये साफ है कि कांग्रेस के पक्ष में लोगों ने मतदान किया है। प्रदेश में अब कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। 10 मार्च को होने वाली मतगणना में तमाम दावों और आंकलनों की असलियतों का पता चलेगा। बकौल पिछले 5 साल उत्तराखंड के लिए बहुत कष्ट वाले रहे हैं, लोगों के स्वाभिमान पर चोट हुई है। ऐसे में ये लगता है कि लोगों ने बदलाव के लिए वोट किया। साथ ही रावत ने ये भी उम्मीद जताई कि लोगों ने मतदान करते समय इस बात को भी ध्यान रखा होगा कि साल 2016 जैसी स्थिति पैदा ना हो, जब कांग्रेस के कई विधायकों के बगावत करने के बाद उनके नेतृत्व वाली सरकार संकट में आ गई थी। इस दौरान रावत ने सीएम को लेकर भी अपनी बात रखी। रावत ने कहा कि इस विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत होने पर मुख्यमंत्री का फैसला पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी करेंगी और उनका निर्णय सबको स्वीकार होगा। हालांकि रावत के दावों में कितना दम है ये तो 10 मार्च को ही पता चलेगा। इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।